स्वागत है मित्रों। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आज ये दिखाया जा रहा है क्यू और मीन ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहां मीन ने क्यू के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है। और क्यू ब्रेकफास्ट को देखते ही मीन से कहने लगता है कि मैं अनियन नहीं खाता, जिंजर नहीं खाता, गार्लिक नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। और जहां मीन ये सारी बातें सुनकर क्यू का ब्रेकफास्ट वो ले लेता है और क्यू से कहने लगता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर देता हूँ। तब क्यू मीन से सॉरी कहने लगता है और मीन कहने लगता है कि तुम क्यों सॉरी कह रहे हो, मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम क्या खाते हो और क्या नहीं। और क्यों एक बात बताओ, तुम्हें तो रेस्टोरेंट पर जाकर खाना खाना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि तुम्हारी खाने में इतना ज्यादा नखरा जो है। तब क्यों कहने लगता है कि हाँ, जब भी मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ तब वो कभी कभी तो मेरा मजाक बनाने लगते हैं। और एक दिन जब मैं हाई स्कूल में था तब एक सीनियर के साथ मैं बाहर आया था खाना खाने के लिए, और उन्होंने मुझे गार्लिक पकड़ा दिया और फोर्स करने लगे कि मैं गार्लिक खाओ क्योंकि गार्लिक सेहत के लिए अच्छा होता है। तब मैंने ऐसा प्रिटेंड किया उनके सामने कि मैं गार्लिक खा रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें मना भी तो नहीं कर सकता, और बाद में मैंने उनकी नजरों से छुपा कर गार्लिक को पीछे फेंक दिया। ये सुनते ही मीन हंसने लगता है और तब क्यों पूछने लगता है कि हंस क्यों रहे हो, कभी भी तुम्हारे साथ हाई स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है तब तुम्हें पता चलता। तब मीन सीरियस हो जाता है और क्यों से कहने लगता है कि मेरा हाई स्कूल, एक दिन मैं मेरे दोस्त के साथ गया था और उसने मेरा मजाक बनाया कि मैं लड़कियों वाला बाथरूम यूज करता हूँ। और उस समय जब मेरे मॉम डैड को पता चला कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने तब मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया कि मैं लड़कियों के साथ बाहर जाओ। और फिर भी उन्हें यही लगता था कि मैं एक दिन शादी करूंगा और बच्चे करूंगा। क्यों, तुम्हें अनियन पसंद नहीं है, तुम्हें गार्लिक पसंद नहीं है, तुम्हें जिंजर पसंद नहीं है, इस नॉर्मल। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें गलत क्या है और लोग हमेशा हमें फोर्स क्यों करते रहते हैं कि हम चेंज हो जाए। तब क्यों अपने मन में सोचने लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने एक नैरो माइंड सेट करके रखा है अपने मन में, और उन लोगों को कोई दूसरा काम होता नहीं है दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करने के अलावा। और उसी वक्त क्यू के फोन में क्यू का भाई का कॉल आता है, जहाँ क्यू का भाई क्यू से कह रहा था कि जल्दी से हॉस्पिटल आओ, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। और ये सुनते ही क्यू जल्दी से मीन के घर से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है, और हॉस्पिटल के अंदर एंटर होने के वक्त वो एक लेडी के साथ टकरा जाता है। और उस लेडी को देख कर क्यू अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने शायद इस औरत को कहीं तो देखा होगा। तब क्यों इतना ज्यादा नहीं सोचता और हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है अपनी मॉम को देखने के लिए। और अगर आप इस औरत को ध्यान से देखोगे तो ये औरत और कोई नहीं क्यू का एक्स बॉयफ्रेंड का वाइफ है, जो किसी दूसरी पेशेंट के साथ थी। खैर, जब क्यू अपनी मॉम की केबिन की तरफ जा रहा था उन्हें देखने के लिए, तब बाहर ही क्यू का मुलाकात होता है उसके बड़े भाई के साथ, जो क्यू को देखते ही कहने लगता है ये क्या पहन रखा है तुमने, क्योंकि क्यू मीन के घर से मीन के कपड़े ही पहन के आ गया था हॉस्पिटल। और क्यू कहने लगता है कि आप ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मॉम कैसी है। फिर क्यू और क्यू का बड़ा भाई उनकी मॉम के साथ मिलने के लिए जाता है, जहाँ क्यू का बड़ा भाई क्यू से कह रहा था कि क्यू डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने ये कहा है कि उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा और जब वो ठीक हो जाएंगी तब वो घर जा सकती है। तब क्यू और क्यू का बड़ा भाई बाहर आ जाता है, जहाँ क्यू का बड़ा भाई क्यू से कह रहा था कि डैड उनकी दोस्त के यहाँ गए थे और वो किसी भी वक्त हॉस्पिटल आते ही होंगे और मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा, तो तुम्हें ही अभी मॉम का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे, मुझे मालूम है कि तुम्हें मॉम को फेस नहीं करना है उस रीजन के कारण, पर मॉम अभी थोड़ा बीमार है तो उनका ध्यान थोड़ा रख लो। तब क्यों अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने कब मना किया है, और उसका बड़ा भाई तब अपने काम के लिए निकल जाता है और क्यों फिर से अपने मन में कहने लगता है पर जब मॉम मुझे देखेंगी तब फिर से वो शादी कर लो वाला गाना लेके बैठ जाएंगी और मैं हमेशा ही मॉम से इसी कारण ही छुपता फिरता रहता हूँ। पर क्या किया जा सकता है, मैं मेरा पेरेंट्स को पसंद भी तो बहुत करता हूँ। खैर, फिर क्यों अपने मॉम के पास जाता है और उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछने लगता है,
और साथ ही साथ अपना मॉम का ध्यान रख रहा था और कह रहा था कि आप अचानक से इतना ज्यादा बीमार कैसे हो गई, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। और तब क्यू की मॉम क्यू को देखते ही कहने लगती है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी अगर तुम मुझे थोड़ा टेंशन कम दोगे। तब क्यों अपने मन में कहने लगता है कि हाँ मॉम मैं समझ रहा हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तब क्यों अपने मॉम से कहने लगता है कि मॉम आप मेरे बारे में इतना ज्यादा फिक्र ना कीजिए, मुझे सच में शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं। और तब ही क्यों की मॉम क्यों को बीच में ही रोक देती है और कहने लगती है क्यों बेटा क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी इस एंटी मैरिज आंदोलन के बारे में, या फिर तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम्हें शादी करने से डर लगता है, या फिर तुम्हें शादी का कोई फोबिया है, या फिर तुम दुनिया घूमने के लिए निकल जाना चाहते हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम मॉन्क बनना चाहते हो और संन्यास लेना चाहते हो। एक सेकेंड, क्या ये इसलिए तो नहीं कि तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस समय क्यू चौंक जाता है और क्यू की मॉम क्यू से कहने लगती है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मुझे और मेरे दोस्तों को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। अगर इनमें से तुम कोई भी एक्सक्यूज देना चाहते हो तो हमें पहले से ही इन एक्सक्यूज के बारे में मालूम है। मेरे दोस्तों की जो भी बच्चे हैं वो भी ऐसे ही एक्सक्यूज देते रहते हैं। तब क्यू का थोड़ा जान में जान आता है और क्यू की मॉम क्यू से कह रही थी कि क्यू मैंने पहले से ही ऐसे एक्सक्यूज सुन रखा है दूसरों से, तो मुझे तुम ऐसा कुछ बताना जिसको सुनने के बाद मैं इस बारे में सोच सकूं। और हाँ मुझे मालूम है बेटा कि मैं तुम्हारी मॉम होने के नाते तुम्हें कुछ ज्यादा ही इस बारे में प्रेशराइज कर रही हूँ और तुम ये सारी चीजें सुन सुन कर थक गए होगे ना, और इसी कारण तुम अभी शायद एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हो। तब क्यों कहने लगता है कि नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने आपको ये बता दिया कि मैं एक गे हूँ तब भी आपको ये लगेगा कि ये भी एक एक्सक्यूज है। तब क्योंकि मॉम कहने लगती है कि खैर छोड़ो ये सब, और मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि मैं अभी कभी भी इस बारे में तुमसे इंसिस्ट नहीं करूंगी, और साथ ही साथ मैं तुम्हें अभी कभी भी फोर्स नहीं करूंगी किसी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, और तुम्हें मुझे कोई भी एक्सक्यूज या फिर कोई भी झूठा रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। फिर भी ऐसे मॉम मैं यही आशा करूंगी कि तुम एक दिन शादी कर लो और अपना फैमिली कर लो। क्यों तुम्हें तो दिखाई दे रहा है कि मॉम डैड की अभी उम्र हो चुकी है, तो हम कब तक ऐसे तुम्हें टेक केयर करते रहेंगे। तब क्यों सेंटी होकर अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आप इस बारे में बात मत करो। तब क्योंकि मॉम फिर से फॉर्म में आ जाती है और क्यों से कहने लगती है खैर अभी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरी सारी बातों को, और तुम देखो अपने लिए कुछ कि तुम क्या करोगे। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो रहा है और जहाँ ये दिखाया जा रहा है कि क्यों ये सारी बातें आकर योन से कह रहा था और योन को बता रहा था कि मॉम ने तो मुझे एंटी मैरिज प्लान का सरदार ही घोषित कर दिया है। और योन ये सारी बातें सुनकर क्यों से कह रहा था कि मुझे पता है क्यों कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा पर मुझे तो हंसी आ रही है, तो क्या मैं थोड़ा सा हंस दूं। खैर तब योन क्यों से कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी मॉम अभी तुम्हें शादी कर लो ये कहे के फोर्स नहीं करेंगी, पर ये देखना कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। बल्कि क्यों तुम बहुत काइंड हो, जब ही तुम्हारी मॉम तुम्हें इमोशनल अत्याचार करके और थोड़ा रो धो कर इस बारे में बात करेंगी तुमसे फिर से, तब तुम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाओगे। तब क्यों कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, हाँ ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है पर मैं ऐसा नहीं हूँ, पर मॉम को हैंडल करना भी तो बहुत मुश्किल है। और उसी वक्त क्यों योन से कहने लगता है कि योन ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि मेरे बड़े भैया को मेरे बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है। और ये सुनते ही योन जो चाय पी रहा था वो चाय वो क्यों के मुंह पर थूक देता है। तब योन क्यू को एक टिश्यू पेपर देते हुए और साथ ही साथ एक लाउड रिएक्शन भी देते हुए क्यू से कहने लगता है कि क्यू तुम्हारी बड़े भाई को इस बारे में कैसे पता चला। तब क्यू कहने लगता है कि इसके पीछे एक बहुत लंबा स्टोरी है, खैर जब मेरे बड़े भाई को मेरे बारे में पता चला तब उन्होंने इस बारे में बहुत शांतली रिएक्ट किया है जो मैंने बिल्कुल भी आशा नहीं किया था। तब योन कहने लगता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में बहुत जल्दी पता लगा लिया और मुझे भी तुम्हें कुछ कहना था।
एक दिन तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में पूछा और उन्हें ऐसा लगा कि हम दोनों साथ में किसी रिलेशनशिप पे हैं। तब क्यों और यौन हंसने लगता है और क्यों कहने लगता है कि हाँ शायद इसी कारण उस दिन मेरे भाई ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। और जहाँ क्यों और यौन रेस्टोरेंट पर हंस हंस कर पागल हो रहे थे और क्यों कह रहा था कि मेरा भाई इस बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि हम दोनों के बीच कुछ है। खैर तब यौन हंसते हंसते अचानक से रुक जाता है और क्यों से कहने लगता है कि क्यों तुम्हारे भाई ने ये पता लगा लिया कि तुम एक्चुअली में कैसे हो। फिर उन्होंने तुम्हें हम दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा। तब क्यों कहने लगता है हाँ तो, और उस समय यौन अपने मन में सोचने लगता है मिस्टर रुई क्या वो कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या मैं किसी आदमी के साथ हूँ। उस समय क्यू की मॉम की फोन आती है और क्यू पिक करता है फोन और उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि क्यू बताओ तो मुझसे मिलने के लिए कौन आया होगा अभी। उसी वक्त क्यू के दिमाग पर मीन का शक्ल आता है जो उसकी मॉम से आके कह रहा होगा कि आंट क्या आप ठीक हो, और अपने मन में कहने लगता है कि नहीं वो कैसे आ सकता है यहाँ। फिर क्यों अपने मॉम से पूछने लगता है कि मॉम मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा हिंट तो दो कि कौन आया होगा आपसे मिलने के लिए। और क्योंकि मॉम क्यों से कहने लगती है कि खैर मैं ही तुम्हें बता देती हूँ कि कौन आया है, वो है मिस फू। और देखो कितनी अच्छी लड़की है जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उसको देखने के बाद। और क्यों सच में तुमने इतनी अच्छी लड़की को जाने दिया। तब क्यों अपने मॉम से पूछने लगता है कि मॉम मिस फू और उसके साथ क्या कोई था। तब क्यों की मॉम कहने लगती है कि हाँ उसके साथ उसका छोटा भाई था मीन, तुम तो उसे जानते नहीं होगे। तब क्यों अपने मन में कहने लगता है कि हाँ मुझे मालूम है और मुझे मालूम था कि वो जरूर आएगा, वो बहुत स्मार्ट है कि वो इधर उसकी बहन के साथ आ गया। खैर तब क्यों की मॉम क्यों को फोन में बता रही थी कि जब मीन छोटा था तब वो बहुत ही कमजोर बच्चा हुआ करता था, अब देखो वो कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। तब क्यों अपने मॉम से कहने लगता है कि मॉम मैं अभी मेरे दोस्त के साथ हूँ तो मैं आपसे बाद में आके मिलता हूँ, और वो फोन कट कर देता है। तब यौन क्यों से पूछने लगता है कि क्या हुआ ऐसे क्यों शक्ल बना कर रखे हो। तब क्यों कहने लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ बातें सुनकर और ये देखकर कि सच में कुछ तो है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यौन पूछने लगता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। और क्यों कहने लगता है कि यौन मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम किसी से मिलाऊंगा। तब यौन पूछने लगता है कि किससे, और क्यों कहने लगता है मेरे थोड़ा नजदीक तो आओ मेरे बॉयफ्रेंड से। और दूसरे सीन पर हम ये देखते हैं कि मीन उसके बहन के साथ था और उसे छींके आ रही थी वो भी 3 बार, और तब मीन का बहन मीन से कह रही थी मीन तुम्हें मालूम है जब कोई एक बार छींकता है इसका मतलब होता है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है, अगर कोई 2 बार छींकता है तब इसका मतलब होता है कि कोई तुम्हारे इंसल्ट कर रहा है, और अगर कोई 3 बार छींक मारता है तब इसका मतलब होता है कि कोई तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। उस समय मीन कहने लगता है अपनी बहन से कि कौन पागल होगा जो मेरे बारे में बातें करेगा। और दूसरी सीन पर हम ये देखते हैं कि तब क्यों 2 बार छींक मारता है और कहने लगता है कि कौन मेरा इंसल्ट कर रहा है। सो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे यहाँ तो हिचके आने पर ये कहा जाता है ना कि कोई तुम्हें याद कर रहा है, शायद चाइना पर छींक खाने पर ये कहा जाता होगा। सो देन आप सब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन स्टे विद मी एंड सी यू।